बेस कैंप की बात करें तो ऑलमोस्ट वी हैव एक्मलिस्ट मोर देन 90%. इट्स जस्ट ऑन द फिनिशिंग स्टेज सर, और अभी जस्ट फाइनल टचेस दे रहे हैं एंड इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 2-3 डेज सर. रूट पे जो हमारे लाइटनिंग है उसका काम ऑलमोस्ट हो चुका है, और अभी तक हम होली केव में जो लाइट पहुंचाने का टारगेट है दैट इज़ बिफोर 25th सर. बलतल से स्टार्ट करके आप तो होली केव तक हमारे जो PDD का डिपार्टमेंट है उसके जो लाइटिंग का अरेंजमेंट के निरीक्षण के लिए आए हैं. सारा हमने इसका निरीक्षण किया, काम काफ़ी हो चुका है उसको सारा. हमने उसको देख के जो हमारे यहाँ के जो स्टाफ हैं उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर सारा मौजूद हैं उनका हमने सूटेबल इंस्ट्रक्शंस दिए. ऐसा ओवरऑल देखने से काम अच्छा हुआ है और ट्रैक अच्छी सी बनी है. खुशी से हम झूम उठते हैं जब हमारा काम अच्छा होता है, सेट होता है, जब हम आगे आगे बढ़ते हैं, हमारा पीछे पीछे लाइन ठीक होता जा रहा है, तो हम इसमें बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारा काम भी ठीक हो गया. तो मैं आज से पहले यहाँ 10 साल से यात्रा के साथ काम करता हूँ इस रास्ते से. इस साल बहुत बढ़िया मौका मिला है हमारे को कि यात्रा का रास्ता बनाना. हमारे ऊपर वाला भी देगा इसका अजर देता है, और गवर्नमेंट भी हमारे को पेमेंट देती है, और रास्ता बनाना बहुत अच्छी बात है सर. हमारे को बिगिन डिपार्टमेंट जो पेमेंट भी दे रही है अच्छी दे रही है, सब कुछ अच्छा दे रहा है, रोज़गार मिल रहा है. मौसम ठीक रहना चाहिए सर, ऊपर वाले की दुआ होनी चाहिए और मौसम ठीक रहना चाहिए, यात्रा ठीक चलना चाहिए. यात्रा ठीक चलेगा तो हम भी ठीक रहेंगे. हमको तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं और इस काम को हम जल्दी करें क्योंकि 1 तारीख को बोल रहे हैं कि यात्रा आने वाली है, इसलिए हम जल्दीबाजी इसमें कर रहे हैं. बीकन के सब अफसर, इंडियन आर्मी के भी अफसर लगे हैं, बीकन के भी लगे हैं, पब्लिक के भी लगे हैं. पुल बन रहे हैं, दीवारें लग रहे हैं, मलबा हटा रहे हैं, यही काम हम कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, देश की सेना भी लग रहे हैं, हम भी लग रहे हैं. मैं शायद बोर्ड का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ, अपने गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उसकी नज़र घोड़े वाले पे भी है, गवर्नर साहब की नज़र लेबर पर भी है, गवर्नर साहब की नज़र पूरे इलाके पे है. इस साल उसने मतलब 15 दिन पहले टेकू का काम भी शुरू किया है, तो रास्ते का भी काम शुरू किया है, तो रास्ता भी क्लियर हो गया है. लगभग ब्रेडी मर तक जो है रास्ता क्लियर हो गया है. उसे आगे भी किसी किसी जगह प्रॉब्लम है, लेकिन उनको हमने रास्ते में बात की, उन्होंने बोला कि हम 5-8 दिन के बाद यात्रा से पहले पहले रास्ता क्लियर कर देंगे. बर्फ़ उठाते हैं, घोड़ों का रास्ता बनाते हैं, कहीं पर घोड़े को रुकावट ना आए, पैदल जो यात्रा है किसी यात्री को रुकावट ना आए, हेल्प करते हैं उसकी. पहला जत्था अपनी टीम के साथ पंचतरणी में श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की तैयारियों के लिए अपने सभी सेवादारों के साथ, तकरीबन 30 सेवादार इस वक्त मेरे साथ हैं, जो यहाँ यात्रा से पहले की हम लोग जो तैयारियां करते हैं उसकी सभी तैयारियां, यात्रा स्टार्ट होने से पहले हम लोग 3 दिन पहले उसको कंप्लीट करेंगे, और राशन भी धीरे धीरे घोड़ों के द्वारा जैसे जैसे रास्ता क्लियर होता जाएगा उसमें तमाम जो लंगर की गुड्स हैं, जनरेटर है, बाकी राशन है, वो सब कम्प्लीटली यात्रा शुरू होने से पहले लगभग 15-20 दिन का स्टॉक बराबर हो जाएगा, ताकि कभी बारिश आए या रास्ता क्लोज हो तो यहाँ ठहरे हुए यात्री या दूसरे रास्ते से आने वाले यात्रियों को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो. यहाँ पे अभी हमने लगभग 15 बेड्स का हॉस्पिटल जो है वो चालू कर रखा हुआ है. अब वेलकम करता हूँ यात्रा वालों का, नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो आएँ तो यहाँ बाबा का दर्शन भी करें, तो हमें भी मतलब जो हमारा भी रोज़गार है सर उनसे चलता है. जी जान लगा कर काम करेंगे और मेहनत करेंगे और यात्रा वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी. जो हमारा नेटवर्क है वो हम पहुंचा चुके हैं, 4G चल रहा है ऊपर सर. इस साल हम सर जो है थोड़े से फास्ट चल रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि हमने मोबिलाइजेशन गवर्नमेंट ने जो की इस बार काफ़ी जल्दी कर दी सर, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब ऑलरेडी एडवांस में मोबिलाइज हुए हैं लास्ट ईयर के मुकाबले. 1 जुलाई से देश भर के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे. अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है, जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके इसकी पूरी तैयारी में है, और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर के जो श्रद्धालु आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे.
बाबा बर्फानी के दर्शनार्थ देश विदेश से आ रहे सभी श्रद्धालुओं का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नमः शिवाय।